नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। 11 जून को सुशांत राजपूत को श्रद्धांजलि देते हुए उन पर आधारित जो फिल्म बनाई गई है न्याय द जस्टिस का टीजर रिलीज हो गया है और 11 जून को इसको फिल्म को भी रिलीज किया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो गुत्थी है वो भी अनसुलझी है और इसी के चारों तरफ ये फिल्म जो है घूमती है। लेकिन इसी बीच इस फिल्म के ऊपर कुछ विवाद हो गया और आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता के केस में लिखित बयान एडमिशन डिनाइल शशांक फिल्म के निर्माता तथा निर्देशक की तरफ से उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह ने दाखिल किए हैं और कल उस पर सुनवाई होनी है। और आप देखिए कि वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह क्या कहते हैं। एफिडेविट और सब चीजें डॉक्यूमेंट सारे फाइल कर दिए हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में कोर्ट में और कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में कल सुनवाई है। मैटर लिस्टेड है और वहां पर देखिए हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं वो पूर्वांचल की वजह से कहिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की ये सभ्यता और सभी समाज की सभ्यता और संस्कृति है कि किसी भी ये जिस जवान मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत उनका साथी था और उसके शोक में उसके पिता के पास बहन परिवार के पास वहां चले गए पटना में वहां मिलने चले गए उनके गांव में पहुंच गए उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त कर दी दुख व्यक्त कर दिया। तो दुख व्यक्त करने से दुख घट जाता है और सुख में चले जाने से सुख बढ़ जाता है। ऐसी हमारी रीति परंपरा संस्कृति है इसलिए वहां वो चले गए और इसको उन्हें लग के ये लग रहा है कि हमारे जो मुंबई के फिल्म डायरेक्टर हमारे क्लाइंट हैं वो उस पर फिल्म बना रहे हैं। तो शशांक फिल्म चार लोगों पर आधारित है नेपोटिज्म के खिलाफ है और उसकी स्टोरी बिल्कुल इस तरह से है कि लोग आत्महत्याओं के लिए मजबूर न करें सामाजिक बुराई के खिलाफ शशांक फिल्म बन रही है। इसका उस फिल्म से इससे ऐसा कोई खास मतलब नहीं है लेकिन सामाजिक बुराई दूर करना भी तो एक समस्या है ये तो सही है। तो आपने देखा कि कल इस मामले में सुनवाई है और मैं आपको एक चीज बता दूं कि फिल्म के निदेशक दिलीप गुलाटी ने ये कहा है कि सुशांत की मृत्यु की जब उन्हें खबर मिलती है तो वो हैरान रह गए थे। हालांकि वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने ऐसा फील किया कि जैसे कोई अपना चला गया हो। यही सोच करके उन्होंने लोगों में एक मैसेज देना चाहा और अब इस पूरी फिल्म पे एक विवाद खड़ा हो गया है। ये फिल्म जो है 11 जून को रिलीज होने वाली है। कल देखते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर करता है और जो भी इसमें कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।